Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 11. Trigonometric functions and their graphs. ये हमारे chapter का name है. इसकी हम exercise 11.1 solve करेंगे इस lecture से. Exercise 11.1 में कुछ functions हैं. उन functions के हमने periods find करने हैं. ठीक है? ये पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनको हम यहाँ पे देखते हैं. देखें यहाँ पे कुछ पीरियड्स मेरे सामने लिखे हैं बोर्ड पे. पीरियड्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2π, मतलब साइन एक्स का पीरियड 2π किस तरह से होता है. देखें आपके पास ये एक एक्स वाई प्लेन है अगर, ठीक है, तो अगर हम इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर फोर क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं, पहला क्वाड्रेंट जीरो है, ठीक है, जीरो मतलब जीरो से 90, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं. दूसरा क्वाड्रेंट है 91 से लेकर 180. तीसरा क्वाड्रेंट है 181 से 270 और चौथा क्वाड्रेंट है 271 से 360, ठीक है. तो ये फोर क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं. मतलब अगर पहले देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो रेंज है वो 0 से 90 तक होती है, ठीक है. 90 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ हम ऐड करते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में हम कुछ ऐड करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं. जब हम फोर क्वाड्रेंट में ऐड करते हैं तो वापस हम फर्स्ट में जाते हैं, ठीक है ना. मतलब अगर हम 360 में 40 ऐड करते हैं तो वो कहलाएगा तो 400 ही, लेकिन वो असल में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है. तो बेटा 360 के बाद वैल्यू जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है. तो 360 के बाद जब वैल्यू रिपीट होती है तो वो जीरो में चली जाती है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में. 360 के बाद वो फर्स्ट में चली जाती है. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो जीरो का केस है वही 360 का केस है असल में. जो मतलब देखिए ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है जीरो से और फोर्थ क्वाड्रेंट खत्म होता है 360 पे. तो जीरो और 360 असल में सेम है. तो इसलिए जो है मतलब 360 लास्ट रेंज है. इस वजह से यानी कि साइन का आंसर जीरो पे और साइन का आंसर 360 पे वही होता है. तो साइन का जो पीरियड होगा फिर वो हम क्या कहेंगे, 2π, क्योंकि जीरो हम ले नहीं सकते क्योंकि जीरो पे जीरो की तो वैल्यू कोई नहीं है. इस वजह से जीरो कोई अच्छा मतलब नहीं है इंडिकेट करने के लिए. तो यहाँ पे हम 2π ले लेंगे. 30 और 360 सेम है. जो साइन 00 है साइन 360 वो भी जो है वो मतलब साइन 0 की जो वैल्यू है वही साइन 360 की वैल्यू है. तो मतलब 360 के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है. इस वजह से यहाँ पे हम कहेंगे कि साइन का जो पीरियड है वो 2π है. साइन का पीरियड जो है, साइन का उलट जो इनवर्स है कोसेकेंट एक्स, उसका पीरियड भी यहाँ पे 2π है. और जो कोस एक्स है उसका पीरियड भी 2π होगा और कोस के इनवर्स का पीरियड भी 2π होगा, ठीक है. और जो टेंजेंट एक्स का पीरियड है वो यहाँ पे पाई है. वो क्यों पाई है, क्योंकि देखें जैसे साइन 0 है, ठीक है, वैल्यू खत्म हो गई 360 पे, वो भी 0 है. मतलब 0 या 360 के बाद वैल्यू बढ़ना शुरू होगी ना साइन की. मतलब साइन 0 है तो आगे जब जाएंगे हम तो साइन मतलब 90 वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना. तो वैल्यू साइन की इंक्रीज करती है 0 के बाद या 360 के बाद, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना. तो 360 के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू होगी. तो यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू रिपीट होना शुरू होगी 180 के बाद, क्योंकि टेंजेंट 180 पे क्या होता है, 0 होता है. मतलब 180 पे टेंजेंट की वैल्यू खत्म हो जाती है. आप अगर कैलकुलेटर पे टेंजेंट 180 निकालते हैं तो टेंजेंट 180 क्या हो जाएगा, 0. यानी कि टेंजेंट की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी 180 के बाद. तो 180 लास्ट है रेंज टेंजेंट की, ठीक हो गया. तो इस लिहाज से हम इनके पीरियड को वो है मतलब देख सकते हैं, ठीक है. अब ये असल में जो है ये आपको याद भी करने हैं जुबानी, ठीक हो गया. तो हम इसकी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं. कुछ क्वेश्चन इसमें कुछ फंक्शन है जिनके पीरियड हमने जो है वो फाइंड करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है. जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ जी साइन 3x, ठीक है, साइन 3x. अब साइन 3x का पीरियड हमने फाइंड करना है, ठीक है. सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे
3x के अंदर ऐड करेंगे पीरियड यानी कि 2 पाई। साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसके अंदर 2 पाई ऐड कर लेना, ठीक है। अब देखिए हमने साइन x का पीरियड तो देख लिया 2 पाई, लेकिन हमने अब साइन 3x का पीरियड देखना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके लिए हमने ये करना है कि x का जो 3 है मतलब x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम बाहर कॉमन कर लेंगे, ठीक है। जब हम x 3 को यहाँ से कॉमन करेंगे तो अंदर 2 पाई के नीचे यही 3 जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो आप दोबारा देखें, इस 3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा, जब 3 2 पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कट जाएगा तो 2 पाई हमारे पास, मतलब वही फॉर्म दोबारा से वापस लौट आएगी, ठीक है ना। तो मतलब हम ये यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे, सो पीरियड ऑफ साइन 3x, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 3x इज, मतलब साइन 3x का जो पीरियड है वो ये आया हमारे पास 2π/3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है साइन 3x के, मतलब पीरियड की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा है cos 2x, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पे cos 2x plus 2π, ठीक है। तो देखें 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन करेंगे तो अंदर आएगा x plus पाई, ठीक है। मतलब हमेशा आपने क्या करना है, x का कोफिशियंट 1 रखना है, ठीक है ना। अब हमने cos 2x का पीरियड बताना है तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, सो पीरियड ऑफ cos 2x इज पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है टेंजेंट 4x, ठीक है जी। टेंजेंट 4x में पाई ऐड करेंगे, तो टेंजेंट का पीरियड पाई है इज इक्वल टू टेंजेंट, 4 कॉमन कर लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस पाई बाय 4, ठीक है। 4 कॉमन मतलब 4 कॉमन किया तो अंदर 4 ने जाके डिवाइड होना, क्योंकि 4 इधर पाई के साथ नहीं ना है इस वजह से, ठीक है। सो पीरियड ऑफ टेंजेंट 4x इज पाई बाय 4, ठीक है। मतलब टेंजेंट 4x का जो पीरियड है वो यहाँ पे पाई बाय 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कोट x बाय 2 जी बेटा, कोट का पीरियड जो है वो हमारे पास पाई होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, अच्छा देखें बेटा यहाँ पे x के नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो 1 ओवर 2 हम करके कॉमन कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है ना 1 ओवर 2, इसमें x के नीचे जो 2 1 ओवर 2 कांस्टेंट कॉमन कर लेंगे। अब देखें ये x के नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जब डिवाइड से कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है बेटा। देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में ये मतलब जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा 3 था, 3 हमने मल्टीप्लाई के अंदाज से बाहर निकाला, मल्टीप्लाई के अंदाज से कॉमन करेंगे तो अंदर डिवाइड होगा, और अगर डिवाइड के अंदाज से कॉमन करेंगे, देखे ना 1 ओवर 2 को चले आप इस तरह अगर अंदर वापस ले जाते हैं तो ये बन जाएगा x बाय 2, जब 1 बाय 2 x से मल्टीप्लाई होगा x बाय 2, जब 1 बाय 2 ये 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा 2 2 कर देगा तो दोबारा से पाई आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड से कॉमन करेंगे तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा सो पीरियड ऑफ cot x बाय 2 इज 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है sin x बाय 3, साइन का पीरियड 2 पाई ऐड करेंगे, साइन इसमें से 1 ओवर 3 हम कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस 3, इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 टू द 6 पाई, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सो पीरियड ऑफ साइन x बाय 3 इज 6 पाई, ठीक है 6 पाई है। 5 तक हो गई क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं यहां से रेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोसेकेंट x बाय 4, कोसेकेंट x बाय 4 प्लस 2 पाई, ठीक है 2 पाई, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास cosecant 1 बाय 4 कॉमन कर लेंगे,
4 अंदर जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 8 पाई बन जाएगा। सो पीरियड ऑफ कोसेकेंट x बाय 4 इज 8 पाई। क्वेश्चन नंबर 7, साइन x बाय 5 इज इक्वल टू साइन x बाय 5 प्लस 2 पाई। साइन 1 बाय 5 x प्लस 5 टू द 10 पाई। सो पीरियड ऑफ साइन x बाय 5 इज 10 ओवर 10 पाई। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, cos x by 6 cos x by 6 plus 2 pi, cos 1 over 6 कॉमन करेंगे, 6 अगर डिवाइड से कॉमन करेंगे तो अंदर जाके मल्टीप्लाई 6 टू दैट 12 पाई हो जाएगा। सो पीरियड ऑफ cos x by 6 इज 12 पाई। क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट x by 7 जी x by 7 प्लस टेंजेंट में टेंजेंट का वैल्यू पाई या पाई ऐड करेंगे इसमें। टेंजेंट x by 7 1 over 7 कॉमन करेंगे, ठीक है, 7 कॉमन करेंगे डिवाइड से तो अंदर जाके मल्टीप्लाई 7 पाई आ जाएगा। ठीक है, सो पीरियड ऑफ टेंजेंट x by 7 is 7 पाई। क्वेश्चन नंबर 10, cot 8x cot 8x पाई ऐड कर लेंगे इसमें, cot 8 कॉमन करेंगे, x plus पाई by 8। सो पीरियड ऑफ cot 8x is पाई बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, secant 9x secant 9x। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो इज इक्वल टू secant 9x का पीरियड 2 पाई ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अब 9 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 पाई बाय 3। सो पीरियड ऑफ secant 9x इज 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट cosecant 10x is equal to cosecant 10x plus 2 pi, 10 common कर लेंगे, x plus 2 pi by 10 is equal to cosecant 10x plus pi by 5। so period of cosecant 10x is pi by 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 3 sin x तो यहां से आ जाएगा 3 sin x plus 2 pi। ठीक है, x में ऐड करेंगे पीरियड 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे x के साथ कोई भी मतलब नंबर नहीं है जिस जो हम कॉमन कर सकें। ठीक है, तो यहीं तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो पीरियड ऑफ 3 sin x इज 2 पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 2 cos x, 2 cos x इज इक्वल टू 2 cos x plus 2 पाई। सो पीरियड ऑफ
2 cos x is 2 by. Question number 15. 3 cos x by 5. ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 3 cos x by 5 plus 2 by. 3 cos 1 by 5 इसमें से कॉमन करेंगे, 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 5 to the 10 pi. So period of 3 cos x by 5 is 10 pi. ठीक है, तो ये थे आपके छोटे-छोटे 15 क्वेश्चंस, थे ये हमने कवर कर लिए. ठीक है, तो यहां पे भी ये एक्सरसाइज हम खत्म, आपकी ये फिर एक्सरसाइज यहां पे खत्म होगी, तो हम फिर यहां पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं.